बाजार बंद तो चौपट हो जाएगा व्यापारी। कुतुबखाना के व्यापारियों ने बताई मंडलायुक्त को अपनी समस्या। कुतुबखाना पुल का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, इस दौरान वहां के रास्ते को बंद किए जाने को लेकर व्यापारी परेशान है। व्यापार मंडल कोतवाली से लेकर कोहड़ापीर तक बनने वाले पुल के संबंध में आज मंडलायुक्त से मिला। मंडलायुक्त को अवगत कराते हुए बताया कोतवाली से लेकर कुतुबखाना तक लगभग 20 दिन प्रशासन पुल के निर्माण हेतु रोड बंद करने जा रहा है। प्रशासन ने पुल निर्माण से पहले व्यापारियों को यह आश्वासन दिया था कि व्यापारियों को पुल निर्माण को लेकर कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी, परंतु अब ऐसा लगता है कि व्यापारियों का व्यापार एक तो पुल के निर्माण से पहले ही लगभग खत्म हो चुका है और यदि प्रशासन 20 दिन के लिए रोड बंद कर देगा तो व्यापारी भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। नाम शोभी सक्सेना है, मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का महानगर अध्यक्ष हूँ। आज किस संबंध में कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं? आज कमिश्नर महोदय के पास हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं कुतुबखाने के पुल के संबंध में, जो कमिश्नर महोदय ने और प्रशासन ने जो कार्यदायी संस्था को काम सौंपा है, ये उस कार्यदायी संस्था ने व्यापारियों का व्यापार बिल्कुल ठप कर दिया है। पहले हमसे ये कहा गया था कि 100-100 मीटर पे ब्लॉकेज लगेंगे और व्यापारी का व्यापार केवल 100 मीटर तक ही इफेक्टिव होगा। आज आपने कोतवाली से लेके और आगे कुतुबखाने तक पूरी खुदाई करके डाल दी, काम इतना स्लो चल रहा है कि इस हिसाब से तो लगता है कि 2023 मार्च या 2024 मार्च तक पुल पूरा नहीं हो पाएगा। व्यापारियों का सीजन का समय है, हम कमिश्नर महोदय से यही कहने आए हैं, क्योंकि चूंकि वो इंटरेस्ट ले रही हैं तो हम उनसे यही अपना अनुरोध करने आए हैं कि रात और दिन काम कराया जाए और जो सड़कों पे पानी फैला हुआ है, तालाब बना हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, उनको हटवाया जाए। व्यापारियों के अगर दुकान के आगे पानी फैला हुआ होगा, मिट्टी पड़ी हुई होगी, तो कस्टमर कैसे आए? तो यही कुछ अनुरोध करने आए हैं कमिश्नर महोदय के पास और हमें उम्मीद है कि कमिश्नर महोदय हमारी बात को सुनेंगी और उस पर संज्ञान लेके तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करेंगे। बरेली में पराग डेयरी बना पहला पराग आइसक्रीम प्लांट। उत्तर प्रदेश के बरेली में पराग डेयरी करेली करगैना में पराग का पहला आइसक्रीम प्लांट लगा है। अन्य जगह पराग के प्लांट पर बरेली से आइसक्रीम की पूर्ति की जाएगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया, दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हो इसके लिए 76 लाख गायों भैंस का कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा। भैंसों में मुर्गा भैंस का सीरम दिया जाएगा, वह भैंस 20 लीटर तक दुग्ध देगी। वहीं कृत्रिम सीमन के द्वारा गाय बछिया को जन्म देगी। किसानों को पशुओं के पालने का सही लाभ मिले, इसको लेकर सरकार प्रयास में लगी है। पराग डेयरी करेली करगैना बरेली में आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है, उत्तर प्रदेश में पहला आइसक्रीम प्लांट का पहला केंद्र है जो आइसक्रीम बना रहा है और ये आइसक्रीम उत्तर प्रदेश की सभी पराग डेयरियों में यहाँ से आपूर्ति की जाएगी। दूसरा, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो, किसान की आय दोगुनी हो, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि किसान की आय दोगुनी हो। पहली बार डेयरी विश्व शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में योगी जी के आह्वान पर नोएडा में किया गया और उसमें हमने भाग लिया। हमने देखा दुनिया में भैंसें नहीं पाली जाती हैं, बहुत कम, गाय ही पाली जाती हैं। अपने देश में ही भैंसें पाली जाती हैं। गाय के दूध में वृद्धि हो इसके लिए हमने जो सेक्स सीमन का जो वैक्सीन, जो क्या नाम, सीमन 300 रुपये पर बाइल था, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर 200 रुपये कर दिया है। अब बछिया ही पैदा होगी इस सीमन से, ये बहुत बड़ा किसान को लाभ होगा। दूसरा, इन 100 दिनों में 75 लाख गाय भैंस को गर्भाधान केंद्रित किया जाएगा, गर्भधारण कराने में AI की जाएगी, कृत्रिम गर्भाधान किया कराया जाएगा और इसमें एक बहुत बड़ी व्यवस्था, भैंसों में मुर्रा भैंस का सीमन दिया जाएगा। मुर्रा भैंस एक दिन में 20 किलो दूध देती है, 20 किलो दूध किसान का 1000 रुपये का हो गया,
तो इसलिए किसान की आय दोगुनी करने के लिए ये उपक्रम किया गया। कृत्रिम सहज सीमन के द्वारा बछिया ही पैदा हो ये व्यवस्था की गई। और अब हम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से गाय पालन पर बड़ी स्कीम, डेयरी पालन पर बहुत बड़ी स्कीम लाए हैं। कार्यशील पूंजी में 10% का अनुदान, बैंकिंग ब्याज में 5% पर ब्याज, और बकरी पालन की भी बड़ी व्यवस्था की गई है। मुर्गी पालन को भी सिस्टम में लेकर आए।